गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्रांस इंडिया, रियल पीपल रियल इमोशंस। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और AIMTC एज इट इज नोन इज इंडियाज एपेक्स बॉडी फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इन एग्जिस्टेंस सिंस 1936। एवरी टू ईयर्स वी सी अ न्यू टीम लेड बाय द प्रेसिडेंट एंड थ्री वाइस प्रेसिडेंट्स रिप्रेजेंटिंग द फोर जोन्स ऑफ इंडिया। Earlier last week, we caught up with the North Zone Vice President of AIMTC, Jaspal Singh, who is not just a veteran in the trade, but has also been a member in AIMTC's Managing Committee for many years now. His company, Milab Transport Road Lines, has been in business since 1963 and has seen many phases and transitions in the industry. While his commitment to the industry is unquestionable, Jaspal Singh is also known for his forthrightness. He doesn't hesitate to call a spade. And therefore, it is always a delight talking to Jaspal Singh. Trans India talks exclusively to Jaspal Singh today and dwell upon various aspects of AIMTC, including the subcommittees, and the driver training school, which is yet to see light of the day. And with the next AIMTC president to be elected from the North Zone, is Jaspal Singh in the race for presidentship, being amongst the senior most members from North India? So here is our unfiltered interaction with the North Zone Vice President of AIMTC, Jaspal Singh. Jaspal ji, all India mein is waqt kya activities chal rahi hai? ऑल इंडिया में काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से। सबसे ज़्यादा तो इस टाइम हमारी जो चल रही है वो चल रही है बैरियर्स को हटाने के लिए। तो किसी पर्टिकुलर स्टेट पे फोकस कर रहे हो या ऑल इंडिया एक साथ आपका फोकस? ज़्यादातर दिक्कत इस टाइम वैसे तो ऑल इंडिया फोकस है, जहाँ जहाँ पे नहीं हटे, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार के काफ़ी साल हो गए पीछे पड़े पड़े, तो उन्होंने लगाए हुए हैं तो वो हटा नहीं रहे हैं, लेकिन अब काफ़ी अचीव किया है। देखिए दिसंबर में उसका क्या रिजल्ट निकलता है, उन्होंने दिसंबर तक का सरकार ने हमसे टाइम लिया। लेकिन अगर ये सरकार बदल जाती है देन व्हाट हैपेंस? उस समय के मुताबिक सोचेंगे कि हमारी बात को, क्योंकि सरकार तो बदल जाती है लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो वही रहती है। राइट, तो हमारे को जो भी रिटर्न में लिख के दिया हुआ वो तो ब्यूरोक्रेसी ने लिख के दिया हुआ। लेकिन जैसा तब देखेंगे जैसे सरकार जो आएगी उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन जसपाल जी, जैसे ये एक तो बैरियर का मुद्दा तो हो गया, इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, उसके अलावा रूटीन में क्या काम चल रहा है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप टैकल कर रहे हो? रूटीन में जो जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं उन पे डील करते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपको मालूम है दिवाली से पहले पहले पोल्यूशन के लिए दिल्ली में सारी कमर्शियल व्हीकल्स बंद कर दी थी, तो उसके लिए सारी पूरी वो काफ़ी एफर्ट्स करने पड़े दिवाली के समय के अंदर, क्योंकि सरकार के जो फैसले होते हैं वो हमें तो ये लगता है कि बिना किसी आधार के होते हैं। आप देखिए कि इन्होंने तुगल की ऑर्डर करके गाड़ियाँ बंद कर दी, दिवाली का सीज़न है, कोई गाड़ी 4 दिन से चली है, कोई गाड़ी 5 दिन से चली है, कोई 3 दिन से चली है, उन ड्राइवर्स को भी नहीं पता और मालिक को भी नहीं पता कि ये बंद करने वाले हैं। अब गाड़ी आके बैरियल पे खड़ी होगी, बैरियल से पहले उनको रोक दिया गया। सरकार की इस बात की दूर दूर तक सोच नहीं थी कि जो गाड़ियाँ चली हुई हैं उनके लिए क्या सलूशन है, क्योंकि हर गाड़ी में 20-25 लाख का माल होता है। ड्राइवर ने एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिवाली त्यौहार गिना जाता है, हर ड्राइवर की कोशिश होती है कि वो त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाए, पर सरकार की इस तरह की कोई सोच नहीं थी। गाड़ी आके सड़कों पे खड़ी हो गए, हाईवे पे जाम हो गए, कोई ढाबों पे खड़ी है, कोई गाड़ी कुछ खड़ी है, मालिक घबरा रहे हैं क्योंकि उनकी गाड़ी में 50-50 लाख का माल है। तो हमने बड़े एफर्ट्स किए, बड़ी बड़ी कोशिश की दिवाली के दिनों में, जबकि हर आदमी परिवार के साथ बिजी होता, लेकिन हमने परवाह नहीं किया, हम इस काम के लिए लगे रहे। तो उन्होंने परसों इसको हटाया है, लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद हटाया है। तो हमारे सरकार ये तुगल की फैसले लागू कर देती है, इसकी समझ से परे बातें हैं ये, क्योंकि ये देखा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन बंद करने के बाद, कमर्शियल व्हीकल बंद करने के बाद भी पोल्यूशन बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। अगर ट्रांसपोर्ट की ट्रकर्स की या कमर्शियल व्हीकल की वजह से वो बढ़ रहा था
तो फिर पोल्यूशन कंट्रोल हो जाना चाहिए था। तो आपने भी अखबारों में भी पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा कि दिल्ली तो पूरी चैम्बर्स बनी हुई थी गैस की, दिल्ली NCR पूरे 400 साढ़े 400, दिवाली के दिन तो 500 भी, दीपावली के दिन तो 500 से भी ऊपर चला गया। इससे साफ जाहिर होता है कि जो कमर्शियल व्हीकल है उनकी वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार अपने पत्ते झाड़ने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए सिर्फ यही चीज़ें कर देती है कि कमर्शियल व्हीकल सबके पहले रोक लो। जो असली मुद्दे हैं पोल्यूशन के लिए या इसके लिए, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं है। जैसे पराली को कहा जाता है कि उसका काफ़ी बड़ा शेयर है, लेकिन वोटों की राजनीति के तहत कोई भी सरकार इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। अगर ये आज 10 साल से ये समस्या चल रही है तो सरकार ने किया क्या? वी विल कंटिन्यू आवर इंटरेक्शन विद जसपाल सिंह आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। यू आर वॉचिंग ट्रांस इंडिया, रियल पीपल रियल इमोशंस। कुमार साहू ऊपरवारा अटल नगर रायपुर का रहने वाला हूँ, और आयचर के हमारे पास 6 टीपर्स हैं। जो आयचर का अभी जो गाड़ी खरीदा हूँ मैं, वो है इसका मॉडल 6028 प्रो। इस गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इस गाड़ी में अभी तक कोई मेंटेनेंस का कुछ काम नहीं आया है मेरे पास। इसका एवरेज भी, इसका डीजल एवरेज है जो दूसरे गाड़ी को अपेक्षा, तो इससे हमको 10,000-15,000 रुपये महीने का एक्स्ट्रा मुनाफा होता है हमको। इस गाड़ी का सर्विस जो करना है वो 1500 घंटे में करना रहता है, दूसरे गाड़ियों में 1000 है। इस गाड़ी में क्या है, हमको सर्विस कराने के लिए बार बार वर्क साहब जाना नहीं पड़ता है, इससे हमारे ट्रिप भी ज़्यादा लगती है। ये जो गाड़ी है उसमें वाल्वो टेक्नोलॉजी का इंजन लगा हुआ है, इसमें अगर हम लोग 1-2 टन ऊपर माल भी ले जाते हैं तो इसमें कुछ भी परेशानी नहीं होता। गीली जगह से भी हम गाड़ी निकालते हैं तो आसानी से निकल जाती है। इस गाड़ी का चेचिस है, गियर बॉक्स है, इंजन है और बॉडी है, ये बहुत मजबूत है। ये दूसरे गाड़ियों की अपेक्षा बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है आयचर वालों ने। ये गाड़ी में जो एम बूस्टर प्लस जो दिया हुआ है, उससे जब लोड होकर चलती है तो पावर मोड में चलती है, और जब खाली होकर चलती है तो इको मोड में चलती है, इससे फ्यूल कवरेज बहुत अच्छी आती है। इसमें माई आयचर ऐप जो दिया हुआ है, उससे हम गाड़ी को उसके ऑपरेट कहाँ हो रहा है, कैसा चला रहा है ड्राइवर, कहाँ पर है, और इसमें डीजल का भी जो अगर ड्राइवर कोई निकालता है या कुछ भी करता है उसके बारे में हमको पता चल जाता है। ये गाड़ी खरीद मेरे को मुनाफा भी हो रहा है, और मैं अपने दोस्तों को भी बोल चुका हूँ, और मेरे दोस्त भी 2-4 गाड़ी खरीद चुके हैं, और मैं आगे मेरे दोस्तों को भी इसी गाड़ी के बारे में ही बताऊँगा, और आयचर की गाड़ी खरीदने के लिए ही बोलूँगा मैं। Imagine this, a manufacturer stressed, losing hope as he can't find a truck for his urgent goods from Mumbai to Chennai. Enter Trackit Transport Market app. Post your load details and instantly competitive quotes from nearby truck owners flood in. Choose based on your needs, the lowest bid, the quickest delivery time, or the highest rated vehicle and driver. Once a bid is accepted, the truck is assigned. Conveniently, track the entire trip on your mobile app, anytime, anywhere. But what truly sets Trackit apart? The digital proof of delivery post-trip. With details of loading and unloading, storekeepers can cross-check records even years down the line. With a myriad of features designed for your convenience, Trackit Transport Market is the future of efficient, reliable freight services. Download the app now and revolutionize your transport logistics experience. Trackit Transport Market, your partner in freight solutions. Welcome back to Trans India, real people, real emotions. We are in conversation today with the North Zone Vice President of EIMTC,
जसपाल सिंह, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे हैं या जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं वो कभी भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को साथ लेके नहीं हुए, वो रैंडमली एक डिसीजन ले लेते हैं। ये हमारी मेरा ख्याल बदकिस्मती ही है, हमारी ये बदकिस्मती होगी कि या तो हमारी जो इंडस्ट्री का इम्प्रेशन इस तरीके से पड़ा हुआ है कि सरकार आज की डेट में जो मैं समझ रखता हूँ, बड़ी ओपनली ये बात मैं आपके मंच पे कह रहा हूँ कि सरकार कोई भी हमारी जायज बात में मानने को तैयार नहीं। Right. चलो अगर हमारी कोई नजायज है तो बिल्कुल ना माने, लेकिन कोई अगर जायज मांगे हैं जैसे कि टोल है, जिन जिन टोलों का समा सीमा समाप्त हो चुकी है उनको 40% लेना चाहिए, लेकिन वो भी 100% कैपेसिटी से ले रहे हैं, और अब तो उन्होंने दूसरा ही रूल निकाल दिया जी, अब उसको हटाएंगे ही नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम जो सालों साल से संघर्ष कर रहे थे वो व्यर्थ गया, मतलब कि सरकार बिल्कुल जैसे उसने ठान ही लिया कि हमने कोई बात को किसी बात को भी सुनना नहीं है। लेकिन आपने जो एक इम्प्रेशन की बात की, क्या ऑल इंडिया ने इस इम्प्रेशन को चेंज करने की कुछ कोशिश की है, क्या एफर्ट्स हुए हैं? देखो चेंज ही करने के लिए एफर्ट तो समय समय पे हम मिनिस्टरों से भी मिलते हैं, अपनी समस्या के साथ उनके साथ डिस्कशंस करते हैं और अपनी समस्या लिखित रूप में बड़े अच्छे तरीके से उनके समक्ष रखते हैं। किसी भी अच्छी साफ सुथरी सरकार को हमारी बातें सुननी चाहिए, लेकिन सरकार का जो रवैया सख्त रवैया या फिर हठधर्मी वाला रवैया है वो समझ से बाहर है। या तो वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को नेगलेक्ट कर रही है, या उनके मन के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट के लिए कोई प्लानिंग है किसी तरह की। इसी वजह से ट्रांसपोर्ट उद्योग आप देखेंगे फल फूल नहीं रहा है, छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर तो शायद अब छोड़ छोड़ के जा ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर जसपाल जी ये देखें, हम अगर पिछले 6 महीने में कमर्शियल व्हीकल सेल्स का डेटा देखें, ट्रकों की जो सेल्स है वो मैंने बढ़ती जा रही है। गिरीश जी हम ही खरीद रहे हैं ट्रक ही। गिरीश जी बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टर्स ना इस काम में इस बंटवारा हो गया है। एक वो है जिन्होंने GST को अपना रहे हैं, एक वो है जो GST को नहीं अपना रहे हैं। अब धंधा सिर्फ GST का रह गया, जो जो GST का जिसको लाभ मिल रहा है उसको तो काफ़ी लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर जो जो जिसका बिजनेस जिसकी क्लाइंटेज इस तरह की नहीं है कि वो GST में नहीं आ सकता, जैसे पार्सल बुकिंग वाले हैं या छोटे ट्रांसपोर्टर हैं, वो GST में नहीं आ सकते क्योंकि उनका कंपटीशन का इस हिसाब से है कि व्यापारी देने को तैयार नहीं, जबकि व्यापारी का फायदा है लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि आजकल कोई भी पार्सल बुकिंग के काम पर नग के हिसाब से शुरू हो चुके हैं। इतने रुपये नग ले लोगे, यहाँ से बुक करेंगे वहाँ देंगे, तो वो GST तो बीच में आता ही नहीं ना किसी तरीके के अंदर। तो इस वजह से मैं आप ठीक कह रहे हैं कि गाड़ियों की वृद्धि हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर पुराने हैं वो बीच में से हटते जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो पार्सल बुकिंग का काम करता है या छोटा कोई काम करता है उन्होंने 3-4 साल से कोई गाड़ी नहीं डाली है। ये गाड़ियाँ सिर्फ चल रही हैं ई कॉमर्स के या ऑयल के टैंकर के अंदर, इनके अंदर इस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, बाकी सरकार के कहने के मुताबिक तो औद्योगिक धंधे बड़े फल फूल रहे हैं, लेकिन मार्केट में इस चीज़ की जो प्रैक्टिकली देख रहे हैं, जितनी निगाह हमारी चलती है हम देख रहे हैं उस हिसाब से मार्केट में आप देखिए कि हिंदुस्तान में दिवाली के पर्व पे सबसे बड़ा सीज़न होता है, लेकिन आप देखेंगे कि इस दिवाली में लोगों की 8-8, 10-10 दिन से गाड़ी खड़ी है, माल नहीं मिल रहा। आप किसी जगह पे भी नज़र उठा के देखो, जो आपको मेरी बात है उसमें सच्चाई नज़र आएगी। अगर आप इस तेज़ी के दौर में तेज़ी के वक़्त अगर गाड़ियों को माल नहीं मिल रहा तो आप समझ नहीं सकते कि डिमांड और सप्लाई में कितना फ़र्क होगा। लेकिन कहीं आपको लगता है गवर्नमेंट की एक कोशिश है, यहाँ एक इंडस्ट्री एक शिफ्ट हो रही है फ्रॉम स्मॉलर प्लेयर्स टू एन ऑर्गेनाइज सेगमेंट, क्या ये एक शिफ्ट है? इन बातों से तो नज़र आता है कि ये शिफ्टिंग हो रही है, और शिफ्टिंग में जो बहुत आगे निकल जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो अगर अपने आप को शिफ्ट ना किया, लेकिन आपके पास चारा नहीं है, आप हर आदमी हर ट्रांसपोर्टर तो कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं कर सकता, और आप भी एक बात तो आप भी अच्छी तरह मानेंगे कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चले जाएंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे रिलायंस है या उसके जैसी और कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हर साल दर साल उनके रेट्स कम ही हो रहे हैं बढ़ने के बजाय। बिल्कुल। तो आप इस बात को सोचिए ना कि अगर रेट कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। या एक और चीज तो हर आदमी कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आ सकता, जैसे किसी का पार्सल बुकिंग है या किसी का और तरह का बिजनेस है वो अब शिफ्ट तो नहीं कर सकते ना। देखो पार्सल का काम बंद तो कभी नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन शिफ्टिंग हो रही है। शिफ्टिंग इस वजह से हो रही है कि ई कॉमर्स कंपनी जो आ रही है,
क्योंकि देखिए हमारा जो क्लाइंट है आप है, मेरा परिवार है। अब आपके घर में भी 10 बार रोज कोरियर वाले आते हैं, जो भी आपके डेली रिक्वायरमेंट नीड्स की है सब आपके घरों में आ जाती है। यही सामान जो हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता था, जो भी ऑनलाइन कंपनी है, अब तो हिंदुस्तान में काफ़ी हो गई हैं, तो सभी अब लोगों के घर पे पहुँचा रही है। जिसके घर माल पहुँच जाएगा वो भी मार्केट से सस्ता बोल जाएगा, उनको क्या ज़रूरत है मार्केट में जाके वह सामान परचेज करेंगे। यही वो सामान है जो हमारे ट्रांसपोर्टरों के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। आपका जैसे काम पार्सल का है जी, प्राइमरली पिछले 5 साल में आपके वॉल्यूम्स कहाँ शिफ्ट हुए हैं? हम देखो मेरे हिसाब से जो हमारे वॉल्यूम शिफ्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा शिफ्ट तो ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर हुए हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन्होंने हमारे बिजनेस काफ़ी ले लिए। इसके अलावा और एक हमारे लोगों को जो पार्सल बुकिंग वालों को झटका लगा है, जगह जगह में जो बसेस चल रही हैं, ओवरनाइट बसेस चल रही हैं, वो हमारे लोगों को काम बढ़ा ले गई। आजकल बस वाले जो रोज चलती हैं दिल्ली से, 500 बसें निकलती हैं दिल्ली से, 500-700 बस निकलती है 500-600 किलोमीटर के दायरे पे। अब व्यापारियों ने माल ट्रांसपोर्ट पर देना बंद कर दिया, उन पे दे देते हैं, क्योंकि रात को ले देते हैं, 8 बजे सुबह पहुंच जाता है, ना कोई बिल देना होता है, ना कोई GST देना होता है, ना कोई लेना होता है, तो बसों पर आराम से चला जाता है। और वही ट्रांसपोर्टर माल 3 दिन में देता है, वो सुबह 12 बजे दे देते हैं। लेकिन जसपाल जी, जितने बस वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू AMTC वो AMTC के भी मेंबर हैं। जैसे हम AMTC कहती है, वी रिप्रेजेंट ऑल बस ट्रक ऑपरेटर्स एंड ओनर्स, तो क्या AMTC उनके साथ कोई डायलॉग डिस्कशन या इस इशू के बारे में कुछ बात कर रही है? देखिए ये सबका अपना अपना पर्सनल बिजनेस है, बातचीत जरूर चर्चा में रहती है, लेकिन अगर बस वालों को कोई प्रॉफिट होता है तो वो किसी की बात मानेंगे थोड़ी। अगर हम उनसे ये कहेंगे कि बसें जो है ये तो सरकार का काम है, कि अगर बस जो है वो कैरियर नहीं है, वो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उनको पैसेंजर ले जाने हैं, कैरियर नहीं ले जाने हैं, तो फिर सरकार रोके ना। इस बारे में सरकार में अगर आप देखेंगे ऑल इंडिया के बैनर से काफ़ी इसके बारे में एक्सरसाइज की जाएगी। ठीक है बस वाले हमारे मेंबर्स हैं, लेकिन वही ट्रक वाले भी तो हमारे मेंबर्स हैं, right. अगर वो उनका बस का काम है तो वो बस का ही काम कर रहे हैं ना, तो वो ट्रक का काम तो ना। क्या हम इसको इंटरनली सॉल्व नहीं कर सकते? इंटरनली सॉल्व के चांसेस, क्योंकि हर आदमी का इंटरेस्ट अपना अपना बिजनेस के लिए इन्वॉल्व होता है, तो इस वजह से इंटरनली कोई चांसेस नहीं है। ये तो हमारे को सरकार से, जिसके लिए हम काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं, हमारे मेंबर्स के लिए काफ़ी काफ़ी हद तक उनकी कंप्लेंट्स इस बातों पे आ रही है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए सार्थक रिजल्ट निकलेंगे। एक मेरी जो AMTC से एक शिकायत कहो या एक जो मुद्दा रहा है कि AMTC कभी भी पॉलिसी मैटर्स पे डिस्कशन नहीं करती है। हम डिस्कस करते हैं हमारे ऑन रोड ऑपरेशनल इशूज़ क्या हैं, पॉलिसी मैटर जैसे कहो कि डिटेंशन ऑफ ट्रक्स है, हमने कभी कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि ट्रक अगर इतना डिटेन होगा तो इतना डिटेंशन मिलना चाहिए, या कस्टमर्स को जल्दी डिटेंशन देना चाहिए, या जैसे पेमेंट का है, अगर AMTC कोई पॉलिसी बनाए कि सारे ट्रांसपोर्टर्स ट्रकर्स को 7 दिन के अंदर पेमेंट मिलना चाहिए, ऐसी पॉलिसी पे कभी काम क्यों नहीं हुआ है? नहीं गिरीश जी, इसके बारे में चर्चाएँ हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन अगर अभी तक कामयाब नहीं हुई, चर्चाएँ ज़रूर चलती रहती हैं, लेकिन जहाँ तक आप इसकी पॉलिसी की एक बात तो है कि रेट्स के बारे में तो आपको मालूम है कि सरकार से चर्चा रहती है कि मिनिमम रेट हमारा फिक्स किया जाए। रेट तो छोड़ दो, मैं रेट की तो खैर बात ही नहीं कर रहा, रेट फिक्स नहीं हो पा रहा, वो होगा भी नहीं, मुश्किल है, ये चलती रहती है, लेकिन अलग अलग जगह की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग स्टेटों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पर डाला ज़्यादा लगता है, कहीं पर कम लगता है, तो वो छोटी छोटी जगह पे तो वो तो उनके अपने मुद्दे रह जाते हैं। बाकी ये डिटेंशन वाली ये चर्चाओं में है बात कि डिटेंशन, क्योंकि जो आजकल फैक्ट्रियाँ हैं वो तो बिल्कुल इस बात की परवाह ही नहीं करती, 6-6, 8-8 दिन गाड़ी ये नहीं खड़ी करती, एक एक दिन की एक गाड़ी की कॉस्ट मिनिमम 2,000 और मैक्सिमम 10,000 एक गाड़ी की, डिपेंड ऑन द व्हीकल सिचुएशन, उस हिसाब से 2 से 10,000 रुपये की डिटेंशन कॉस्ट है, और ना ट्रांसपोर्टर को फैक्ट्री वाले देते हैं, ना ट्रांसपोर्टर आगे जाके गाड़ियों वाले को पास करते हैं, जो बहुत बड़ी एक समस्या चल रही है, कोशिश कर रहे हैं, देखें कितना निवारण निकलता है। जिसका जी, आप जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो नॉर्थ जोन से, आपका ईस्ट वेस्ट साउथ आपके जो काउंटर पार्ट्स है वहाँ पे, उनके साथ कितना कोऑर्डिनेशन है? कोऑर्डिनेशन हमारा बड़ा अच्छा है, आपस में हर वक्त चर्चाएँ होती हैं, मीटिंगों में हर वक्त मिलते रहते हैं, हमने आपस में कमेटीज़ भी बनाई हुई है जिसके अंदर कोई चर्चा होती है तो आपस में मिलते हैं। अभी हम 9 तारीख को साउथ जा रहे हैं। ऑल इंडिया में इस वक्त सब कमेटीज़ कितनी है? सब कमेटीज़ तो खैर पूरा चेक करके बता पाऊँगा, पर 28-30 हैं।
उनमें से किसी की भी अभी आपके टर्म को जितना भी टाइम हुआ है, आई थिंक 6 महीने हो गए आपके टर्म जी, को, जी, जी. किसी भी सब कमेटी की मीटिंग हुई है? मेरे हिसाब से अभी तक तो नहीं. तो क्या कोई आप इनिशिएट कर रहे हैं एक्शन एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स कि जब 28 सी सब कमिटीज बनी हैं, उनका रोल क्या है? देखिए, इनका रोल तो प्रधान साहब ने सेटल करना है. मैं बात इस बारे में करूंगा उनसे कि जो कमेटी आपने बनाई है उनके बारे में आप रिपोर्टिंग करें, रिपोर्ट मंगाएं कि वो कमेटी अगर बनी है तो उन्होंने क्या क्या एक्शंस लिए. मैं प्रधान जी से बात जरूर करूंगा. वी विल कंटिन्यू आवर इंटरेक्शन विद जसपाल सिंह आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक. यू आर वॉचिंग ट्रांस इंडिया, रियल पीपल रियल इमोशंस. मेरा नाम मनीष गाडोडिया, ईपैक कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ लास्ट 22 ईयर्स से. एंड हमारी जो कंपनी है ये ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ओल्ड कंपनी है. यहाँ पर हम पैकेजिंग बनाते हैं स्पेसिफिकली. अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास जो फ्लीट है टोटल 35 व्हीकल्स का अपना खुद का फ्लीट है कंपनी का, जिसमें से मेरे पास में 25 के करीब आइशर हैं. हम जो एसोसिएटेड है आइशर के साथ में फॉर लास्ट 25 ईयर्स वी आर एसोसिएटेड विद देम. अभी लेटेस्ट में हमने 2095 प्रो एक्सपी प्लस गाड़ियाँ ली हैं जो 24 विट व्हीकल्स हैं, जो कि इंडस्ट्री में पहली बार ही अभी तक किसी ने लॉन्च की हैं. अभी हमने वही गाड़ियाँ जो ली हैं, तो इसमें सबसे बड़ी खासियत है वो है कि टर्बो चार्जर इंजन लगा हुआ है, जिससे हमारे को 5-7% माइलेज में एक्स्ट्रा मिल रहा है. एवरेजली अगर हम एक बात करें तो एक गाड़ी में 6-7 हज़ार रुपये पर मंथ की हमारी सेविंग आ जाती है इसमें. और सबसे एक और अच्छी इसमें जो खासियत है वो है कि पहले जो गाड़ियाँ आती थी 22 फीट की थी, ये 24 फीट की गाड़ियाँ हैं, तो इसमें हम 10% एक्स्ट्रा मटेरियल भी भेज सकते हैं जो हमारी कॉस्ट सेविंग को बढ़ाती है. और जब से हमने ये नई गाड़ियाँ जो 2095 ली हैं, इसके बाद से हमारे ड्राइवर्स भी काफ़ी हैप्पी हैं, क्योंकि उनको भी अल्टीमेटली चलाने में कम्फर्ट है. गाड़ी के अंदर जो बैठने का उनका जो कम्फर्टेबल सीट्स बनाई हैं और जो पूरा बॉडी का फीचर है वो बहुत ही कम्फर्टेबल है. गाड़ियाँ भी हमारी चलाने के बाद ड्राइवर्स भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं इसके साथ. इस गाड़ी में क्या है कि ऑन रोड हमें इसमें कभी कोई ब्रेकडाउन नहीं मिला और डिलीवरीज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. सर्विस में हमारे को बहुत फास्ट सर्विस और टाइमली सर्विसेज मिल जाती हैं इस गाड़ी की. इसमें एक और फीचर है जो कि बहुत ही यूनिक फीचर है कि माय आइशर ऐप दिया हुआ है, जिससे हम अपनी गाड़ियों से कनेक्टेड हैं और एनी टाइम वी कैन सी कि हमारी गाड़ियाँ इस समय कहाँ मूव कर रही हैं, कितना उसमें फ्यूल है, कितनी एफिशिएंसी पे चल रही है और ड्राइवर्स कहाँ लेकर के जा रहे हैं. तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो कि हमारे लिए बहुत यूजेबल है. और जो ये 24 फीट की व्हीकल है, ये एक्चुअली अगर मैं देखूँ तो एक 24 कैरेट गोल्ड की बराबर है, जिसके लिए मैं आइशर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा. Imagine this, a manufacturer stressed, losing hope as he can't find a truck for his urgent goods from Mumbai to Chennai. Enter Trackit Transport Market app. Post your load details and instantly competitive quotes from nearby truck owners flood in. Choose based on your needs. The lowest bid, the quickest delivery time, or the highest rated vehicle and driver. Once a bid is accepted, the truck is assigned. Conveniently, track the entire trip on your mobile app, anytime, anywhere. But what truly sets Trackit apart? The digital proof of delivery post-trip. With details of loading and unloading, storekeepers can cross-check records even years down the line. With a myriad of features designed for your convenience, Trackit Transport Market is the future of efficient, reliable freight services. Download the app now and revolutionize your transport logistics experience. Trackit Transport Market, your partner in freight solutions. Welcome back to Trans India, real people, real emotions. We are in conversation today with the North Zone Vice President of EIMTC, Jaspal Singh. देखो जसपाल जी, ऑल इंडिया एक चीज जो स्ट्रगल कर रही है, आपका ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर जो है
वो मेरे ख्याल से पिछले 10 साल से काम चालू है उसका, वो आज तक रेडी नहीं है। कहाँ डिले हो रहा है? गिरी जी, इसके बारे में डिले होने का कारण समय है, क्योंकि पीछे 2 साल 2.5 साल कोविड की वजह से हुआ है, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसमें काफ़ी अचीवमेंट्स हो रही हैं कुछ, क्योंकि कई NOCs लेनी है, उसके लिए कार्रवाई चल रही है, और NOC के लिए जो जो डिमांड्स है उसको पूरी की जा रही है, जो जो हमारे बिल्डिंग में कमी है उसको पूरी कर रही है, कंस्ट्रक्शन हमारी वहाँ पर चालू है। उम्मीद करते हैं 6-1 महीने में इसका काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट निकला के इस कमेटी के खत्म होने से पहले पहले आपको खुशी मिलेगी कि आपका ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट हो चुका है। जसपाल जी, एक चीज़ हम और नोटिस कर रहे हैं कि काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं वो इस बिज़नेस से बाहर हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो बिज़नेस को ग्रो भी कर रहे हैं। क्या AMTC उनको एडुकेट करने के लिए, उनमें अवेयरनेस लाने के लिए कोई स्टेप्स ले रही है? सेमिनार्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेज हो गए, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कर रही है? गिरीश जी, ऐसा है, यंगस्टर का, आज का यंगस्टर्स कुछ चेंज है। जो 20 साल 25 साल 30 साल या हमारी जनरेशन तक जो यंगस्टर थी ना, वो काफ़ी एसोसिएशन के अंदर एक्टिव होती थी, पर मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि आने वाली जो आई हुई है जनरेशन या आने वाली जनरेशन एसोसिएशन में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पा रही, क्योंकि वो अपने अपने काम के अंदर इतना बिजी हैं कि वो इस कामों के लिए ध्यान नहीं देते। हमने काफ़ी कोशिश की है कि यंगस्टर आगे आए और आगे आके सब चीज़ें संभालें, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी यंगस्टर की सोच में कमी, और कोशिश करेंगे उस सोच को चेंज करते। मैं उनको एसोसिएशन में लाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या एसोसिएशंस उनके लिए कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करे, कुछ एडुकेटिव उनके लिए करे, कि उनका भी इंटरेस्ट जगे कि ठीक है, हम चाहे एसोसिएशन में नहीं जाए लेकिन हम ये सेमिनार अटेंड करें जहाँ सीखने को कुछ मिले। IT हो गया, वहाँ पर बहुत सी चेंजेस हो रही हैं, रूल रेगुलेशन में चेंजेस हैं, तो एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आपका जो सोच है बड़ी अच्छी है, कोशिश करेंगे आपकी बात को मैं आगे तक पहुंचा सकूं, और इसके लिए आगे के लिए कोई कार्रवाई किए जाए, कोई यंगस्टर को आगे लाने के लिए कोई सेमिनार या बाकी चीज़ों के लिए ज़रूर। इस आपका विचार बहुत ही अच्छा है। जसपाल जी, फाइनली रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे दिख रहा है आपको? इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो है, वो कहीं नहीं जा रही है, बट छोटे वाले मुसीबत में है, ऑर्गेनाइज ग्रो कर रहे हैं, इंडस्ट्री ऑन द होल कहाँ जाएगी? इंडस्ट्री में गिरीश, सबसे बड़ी समस्याएं जो चल रही हैं वो ठीक है, आपकी बात, ग्रो भी कर रही है सब चीज़ें, वो एक समय क्या समय है, क्योंकि अगर वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया आज के टाइम में बड़ी क्लोज आ चुकी है, आप यहीं बैठे बैठे 10,000 किलोमीटर पर देख सकते हो कि वहाँ दुनिया में क्या हो रहा है। इसकी वजह से देखो, चेंजिंग तो आनी है, ये समय की पुकार है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि मैं भी यूरोप या अमेरिका काफ़ी मैंने देखा है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, वहाँ जैसी स्मूथ चीज़ें हिंदुस्तान में अभी तक दूर दूर तक अवेलेबल नहीं है। हम हाईवे बना रहे हैं जी, बॉम्बे से बड़ौदा से हमने दिल्ली तक हाईवे, गुड़गांवा तक हम हाईवे ले आ रहे हैं, पर आपने ड्राइवरों को क्या फैसिलिटीज़ दी सिवाय टॉयलेट्स के लिए? उसके लिए क्या उन्होंने फैसिलिटीज़ दी? आज भी अगर वहाँ खाना खाना हो तो दाल 200-250 रुपये से कम नहीं है, 50 रुपये से चपाती कम नहीं है, तो क्या सुविधा दी आपने? आपने तो कारों वालों को सुविधा दी, आपने कमर्शियल ट्रक वालों को तो सुविधा ही नहीं दी। ये सुविधा कब मिलेगी ट्रक वालों को? इतना टोल, इतना सेस, इतना रोड टैक्स देते हैं, तो कब मिलेगी सुविधा? आज देखिए ना कि 27% जो है वो ड्राइवर की शॉर्टेज है, फिर भी ये बात 27% हमें कहते कहते कई साल गुजर गए, लेकिन आप देखिए कि वो कवर तो नहीं हो पाई। बिल्कुल, तो इसी वजह से नहीं कि आज की जनरेशन, हम अपनी जनरेशन की ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, आज नेक्स्ट जनरेशन ड्राइवर्स की मैंने तो देखनी बंद कर दिया है कि कोई यंग लड़के आ रहे हो। बिल्कुल नहीं। तो हमें इस बारे में सबसे पहले, सब चीज़ों से पहले ये सुधार करना पड़ेगा, हमने अपनी इंडस्ट्री को सुधारना पड़ेगा। राइट, आप अभी किसी चीज़ का तभी तो कंपटीशन कर पाओगे जब आपके पास मैन फोर्स अच्छी होगी। आपके पास, हम गाड़ियों की तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये गाड़ी बना दी, वो गाड़ी बना दी, इलेक्ट्रिक बना दी, ये बना दी, ये बायोडीजल आ गया, लेकिन कभी इस बात पे भी विचार किया? कभी इस बात पे भी विचार किया कि जो ड्राइवर हमारे पास है उनका क्या हाल है? क्या उनके विचार जानने की कोशिश की है कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि दिवाली के दिनों के अंदर बाहर खड़ा कर दिया गया इनको हाईवेज के ऊपर, हैं सबके बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस ड्राइवर की आप व्यथा समझिए कि उस ड्राइवर के अंदर क्या चल रहा होगा।
क्या वो अपनाएगा अपने बच्चों के लिए कि जो अपने दिवाली के दिन, इतने बड़े त्यौहार के दिन, साल के अंदर एक दिन आता है, उस पर उन्होंने अगर घर पे जाना हो तो घर नहीं जा सकते, या उस मालिक के लिए कि वो ड्राइवर उसका गाड़ी वहीं छोड़ के तो चला गया, 25 लाख का माल पड़ा हुआ है। जब तक सरकार ये समस्या को अच्छे ढंग से नहीं समझेगी, तब तक हम जितनी मर्जी बातें कर लें, जितने मर्जी सड़कें अच्छे बना लें, कुछ नहीं होने का। फाइनली जसपाल जी, नेक्स्ट जो ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट का टर्म है वो आपके जोन से है जी, आर यू अ कैंडिडेट? नो, आई एम नॉट। दैट वाज आवर इंटरेक्शन विद जसपाल सिंह, हु पुट्स इट इन वेरी क्लियर वर्ड्स दैट ही इज नॉट इन द रेस फॉर प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियाज एपेक्स बॉडी फॉर द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री AIMTC, बट वी आर सर्टन दैट जसपाल सिंह विल कंटिन्यू टू सर्व द इंडस्ट्री एज वेल एज AIMTC, irrespective of whether he holds a post or not. We wish the industry had more people like him. We will be back again next week with yet another interaction, yet another story. You have been watching Trans India, real people, real emotions. Until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind. मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है और मैं एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल का डायरेक्टर हूँ। हमारी 90% बस फ्लीट आज आयशर की है एंड वी हैव बीन आयशर कस्टमर्स फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईयर्स, एंड आगे भी जितनी भी बसेज हम ले रहे हैं सारी आयशर की है, बिकॉज फ्रॉम अ मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू और फ्यूल एफिशेंसी अगर हम बात करते हैं, दैट हमारी जो ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्ट की, fuel efficiency becomes very important and Aishar ki buses ki fuel efficiency is very good. Aishar school bus ki safety kafi achhi hai kyunki jo bhi naye systems inne equip kare buses ke andar, it makes it very easy for us to manage the buses, jaise ki fire suppression system hai, jo inka seating design system hai, jo checkered flooring hai, and so that makes it easier for the kids and for the school to make sure that the kids are safe. आयशर की इंजन परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छी लगती है एंड एज सच वी फेस नो प्रॉब्लम्स इन ब्रेकडाउन्स। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा है स्कूल्स के लिए, वो है माय आयशर ऐप। उसके अंदर आप रिमोट डायग्नोस्टिक एवरेजेस, फ्यूल एवरेजेस और मेंटेनेंस, ये सब आप ट्रैक कर सकते हैं इन रियल टाइम। मैं सब स्कूल ओनर्स को सजेस्ट करूँगा कि आप आयशर की बसेज यूज़ करें, हम लोग इतने समय से आयशर की बसेज यूज़ कर रहे हैं एंड काफ़ी खुश हैं। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट आयशर कि उनने जो बसेस बनाई हैं वो काफ़ी अच्छी हैं एंड स्कूल्स के लिए काफ़ी यूजफुल हैं, एंड वी आर वेरी प्राउड टू एसोसिएट विद आयशर।